दिस इज द चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्यूरेसी और प्रिसिशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्यूरेसी क्या होती है। एक्यूरेसी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ है और किसी भी एक्सपेरिमेंट की एक ट्रू वैल्यू निकली है। फॉर एग्जांपल उसकी ट्रू वैल्यू है 1.37 और फिर आपने सेम एक्सपेरिमेंट आपने किया और तब आपकी मेजर वैल्यू निकली, जो आपने मेजर की वो निकली 1.35। सो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज में कुछ डिफरेंस है। इस डिफरेंस को, जिसमें मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है और जो हमेशा एक्यूरेट मतलब कि इक्वल नहीं आता, इसे हम गिने जाते हैं एक्यूरेसी में। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी डेफिनेशन बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। कि मेजर वैल्यू हमारी कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू को, हम उस मेजर वैल्यू को उतना एक्यूरेट मानेंगे। दिस वॉज द एक्यूरेसी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिसिशन। प्रिसिशन मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई चीज को मेजर किया है और आपने लिखा है कि वो थी 1.388 मीटर लंबी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ लेंथ निकाली थी जो कि थी 1.388 लंबी। फिर आपने कोई दूसरी स्केल यूज की और तब आपने लिखा लेंथ वॉज 1.38। आप देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस इन द डेसिमल एक्सपांशन। ये 1.388 मीटर, दैट मीन्स ये ज्यादा रिजोल्यूशन की है, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्केल में उस चीज को नापा गया है और यहाँ पे 1.38 मतलब कम रिजोल्यूशन में इसे गिना गया है। तो कहने से कि इसे हमने जब गिना, इसका रिजोल्यूशन था 0.001 का और इसका रिजोल्यूशन था 0.01 का। तो देखो, आप देख सकते हो कि इन दोनों वैल्यूज में वैल्यू भले ही सेम हो पर इनका रिजोल्यूशन अलग है। कैन आई से कि ये वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसका रिजोल्यूशन हाई है और इसका रिजोल्यूशन इसके कंपैरेटिवली लो है। तो दिस इज मोर प्रिसाइज एंड दिस इज लेस प्रिसाइज। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आई कैन एक्सप्लेन द प्रिसिशन एज द प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट the quantity is measured, that is whether it is measured in 0.01 meter resolution or 0.001 meter resolution. So this was the precision. Example of accuracy and precision. Now isme hum ek true length lenge kisi object ki aur humne dekha ki wo length true length thi 3.678 centimeter. फिर हम अगेन अलग रिजोल्यूशन वाले इंस्ट्रूमेंट से सेम ऑब्जेक्ट को मेजर करेंगे तो हम देखते हैं डिफरेंस क्या आएगा। आपको इसकी एक्यूरेसी और प्रिसिशन का एक लाइव एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2। ओके, इन केस 1 आई एम यूजिंग अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच हैज अ रिजोल्यूशन 0.1 का और इन दिस आई एम यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट जिसका रिजोल्यूशन है 0.01 का। गाइस आपको पता चल गया होगा कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो 3.678 सेंटीमीटर इसका ट्रू लेंथ था। जब मैंने 0.1 रिजोल्यूशन के इंस्ट्रूमेंट से इसे फिर से मेजर किया तो वैल्यू निकली 3.5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं क्योंकि 0.1 का रिजोल्यूशन था, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट हैविंग टू डिजिट नंबर। एंड अगेन 0.01 का रिजोल्यूशन था, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब मैंने मेजर किया तो वैल्यू कम्स 3.38। कैन यू टेल मी कि 3.5 ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू को या 3.38 ज्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू को? आपको सीधे तरीके देख रहा है कि 3.6 के पास 3.5 होगा। तो कैन आई से दिस इज द मोर एक्यूरेट वैल्यू? ओके, तो ये वैल्यू होगी मोर एक्यूरेट, पर क्योंकि इसका रिजोल्यूशन बड़ा है
और इसका रिजोल्यूशन कम है तो ये होंगी वैल्यू मोर प्रिसाइज. सो नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मोर प्रिसाइज वैल्यू किसे कहते हैं और मोर एक्यूरेट वैल्यू किसे कहते हैं. मेजर वैल्यू के क्योंकि बहुत ही नजदीक 3.5 आता है इसलिए हमने उसे बोला मोर एक्यूरेट, और क्योंकि 3.678 और 3.38 का रिजोल्यूशन ज्यादा था तो हमने इसे बोला मोर प्रिसाइज. नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द एरर्स ऑफ मेजरमेंट. एरर्स क्या होते हैं मेजरमेंट के अंदर. तो द डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू, जो फर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रू वैल्यू में, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड लेंथ होती है उस ऑब्जेक्ट की, और जब हम उसे मेजर करते हैं तो हम उसे बोलते हैं मेजर वैल्यू. तो जो डिफरेंस निकलता है उस ऑब्जेक्ट के ट्रू वैल्यू में और हमने मेजर किए हुए मेजर वैल्यू में, उसे हम कहते हैं एरर. तो कैन आई से द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर्स ऑफ मेजरमेंट. तो हम एरर्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, तो हमें एरर का वैल्यू मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ट्रू वैल्यू था 1.78 और जब आपने उसे मेजर किया तो वो मेजर वैल्यू निकला 1.75, तो कैन आई से कि एरर इक्वल्स टू ट्रू माइनस मेजर वैल्यू. सो इट विल बी इक्वल टू 1.78 माइनस 1.75, दैट इज इक्वल टू 0.03. सो 0.03 का एरर था इस एग्जांपल में. सो दिस इज कॉल्ड द एरर्स ऑफ मेजरमेंट. नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एरर्स दैट आर सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर. सिस्टमैटिक एरर, सो व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक से आपको समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक है, वो एरर सिस्टमैटिक है. दैट इज दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन डायरेक्शन, आई विल एक्सप्लेन लेटर. आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एरर आया है, फॉर एग्जाम्पल you have a error of 0.01 ka. Okay, so that is might be in positive or negative. But if it's written plus 0.01 ka error aaya hai, so you will say it is a systematic error. Or either if it comes 0.01, then also you will say it is a systematic error. But if in case the error is 0 plus minus 0.01, so this is not a systematic error. This type of error, जो कि कम ज्यादा हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं random errors. So systematic error either positive हो सकते हैं या तो negative हो सकते हैं. अगर मैं इसी way में समझाऊं तो या तो हमारे वो error instrument जब देगा तो या तो वो error true value से कम आएगा या तो वो एरर ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा. पर हम ये नहीं बोल सकते कि वो ट्रू वैल्यू के आगे पीछे 0.02 के फर्क में आ रहा है. तो सिस्टमैटिक एरर के तीन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर वो होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लमेटिक फंक्शनिंग के वजह से आए. फॉर एग्जाम्पल अगर वो गलत तरीके से कोलैबोरेट किया गया है तो इंस्ट्रूमेंटल एरर में वो एरर गिने जाएंगे. सेकेंड इज पर्सनल एरर. For example, I am doing an experiment, but I am inexperienced to do that observation or experiment. So, जो मुझसे वो गलती होगी उस experiment करने में, that is called the personal error. Now, third one is errors due to external causes. External causes मतलब कि जब हम experiment करते हैं, तो अगर there is a temperature difference, तो अलग value आएगी, अलग measure value आएगी. If there is a difference of प्रेशर तो अलग वैल्यू आएगी. तो कैन आई से दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द मेजर वैल्यू. सो दिस आर कंसिडर्ड इन द सिस्टमैटिक एरर्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर एंड एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस.